पुलिस वाले ने अपने प्रेमिका को थमा दी सर्विस रिवॉल्वर, फिर क्या प्रेमिका भी स्टाइल मार मार कर पिस्टल को लहराने लगी। अब प्रेमिका के प्यार में सिपाही की नौकरी खतरे में पड़ गई। आंखों पर चश्मा और व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने प्रेमिका गर्दा मचा रही है। जी हां, दरअसल बता दें कि गोपालगंज में सोशल मीडिया पर एक युवती का सरकारी पिस्टल के साथ फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। नगर थाने में तैनात सिपाही ने अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से ठीक नहीं था। इतना ही नहीं, ये कदम पूरी तरह से सुरक्षा के भी खिलाफ था। सिपाही ने अपने सरकारी पिस्टल को प्रेमिका के हाथों में थमा दी और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, एसपी की नजर पड़ी तो एसपी ने तुरंत सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन से क्लोज कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीरों में पिस्टल के साथ दिख रही युवती की पहचान सदर थाना के डायलिसिस सेंटर में तैनात है, जबकि वर्दी में मौजूद नगर थाने में तैनात सिपाही की पहचान अनिल कुमार यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सिपाही अनिल कुमार यादव ने युवती को अपने सर्विस रिवॉल्वर दिया था। युवती का नाम निरुपमा यादव बताया जा रहा है। युवती ने सिपाही के साथ मिलकर रील बनाया था, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। सिपाही अनिल कुमार ने भौकाल बनाने के लिए ये काम किया था। मामला सामने आते ही एसपी ने एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक जिस युवती ने पिस्टल को अपने हाथों में थामा है, सिपाही पर तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस अब युवती पर भी कार्रवाई करने का विचार कर रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।